हिंदू धर्म में 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन भगवान गजानन घर घर विराजेंगे। गणेश जी की स्थापना करने से पहले कुछ नियम भी जान लेना चाहिए। आइए पंडित जी से जानते हैं नियम। जी, भगवान गणेश रिद्धि बुद्धि सिद्धि के दाता कहे गए हैं और सभी विघ्नों को हरने वाले कहे गए हैं। भगवान गणेश जी महाराज का स्थापना के कुछ नियम होते हैं, उनको जान लेना चाहिए। और मूर्ति रहस्य भी कहा गया है कि किस प्रकार की मूर्ति भगवान गणेश जी महाराज का घर में स्थापित करना चाहिए और किस ओर करना चाहिए और किस दिशा में भगवान का मूर्ति को स्थापित करना चाहिए। यह हम जानते हैं कि भगवान की मूर्ति को स्थापित करना चाहिए बड़ा शुभ माना जाता है तथा हर प्रकार के मंगल को लाने वाले गणेश जी कहे गए हैं। परंतु कुछ नियम है जो कि अपन को मालूम नहीं होता, उसे अपने जान लेना चाहिए। तो भगवान की मूर्ति अपन लावे तो किस तरह की मूर्ति लावे, इसमें अपन चाहें तो भगवान की मूर्ति का जो सुंड है उनके लड्डू वाले हाथ उल्टे हाथ की ओर होना चाहिए और भगवान उनका जो दूसरा हाथ हो उसमें भगवान के हाथ में लड्डू मोदक होना चाहिए और दूसरा हाथ एक वर मुद्रा में होना चाहिए कि जिससे भगवान आशीर्वाद मुद्रा में वहाँ पर विराजमान हैं। तथा भगवान की मूर्ति सदैव बैठी हुई घर में लाना चाहिए जो कि शुभ चिन्हों पर विराजमान हो, कमल के फूल पर, हाथी पर तथा इस प्रकार हंसों पर इस प्रकार विराजमान हुई भगवान की गणेश जी की प्रतिमा बैठी हुई लाना चाहिए और उनको स्थापित विधि पूर्वक स्थापित करना चाहिए। अब स्थापना की विधि में यहाँ पर कहा गया है कि सर जहाँ पर अपने को भगवान का स्थापना करना है, जिस भी घर पर या किसी ऑफिस में या मंदिर में कहें जहाँ पर भी स्थापित करना है, पहले उस जगह को स्वच्छ करना चाहिए। उस जगह को स्वच्छ कर करके गंगा जल गोमूत्र आदि से पवित्र करना चाहिए। शुद्ध करने के पश्चात उस स्थान को सुंदर पत्तों से तथा मंत्रवादों से सजाना चाहिए और फिर वहाँ पर चोग बना के भगवान गणेश जी महाराज को स्थापित कर करके चौकी लगाना चाहिए। उसको भी गंगा जल से आदि का प्रोक्षण कर करके सींचना चाहिए जिससे वो शुद्ध हो जावे और लाल वस्त्र को उस पर स्थापित कर करके भगवान गणेश जी महाराज को के विराजमान के लिए वहाँ पे नीचे स्वास्तिक हल्दी कुमकुम का तथा अक्षत का स्वास्तिक बनाना चाहिए और स्वास्तिक बनाने के पश्चात वहाँ सुपारी सिक्का पान सुपारी सिक्का आदि रख करके वहाँ पर गणेश जी को स्थापित करना चाहिए और उनके आसपास भी चावल की दो ढेरियाँ लगा करके रिद्धि सिद्धि के स्वरूप में सुपारी रखना चाहिए। रिद्धि सिद्धि के स्वरूप में सुपारी रखें और सुपारी रख कर करके वहाँ पे भगवान गणेश जी महाराज का आदि का आह्वान करना चाहिए और सीधे हाथ की ओर ही थोड़ा गेहूं रख कर करके तांबे का कलश आदि स्थापित करना चाहिए। स्थापित कलश में द्रुआ और पान के पत्ते आदि लगाना चाहिए और भगवान कलश नारायण को स्थापित कर करके धूप दीप तथा 16 उपचार उनका पूजन करना चाहिए और 16 उपचार पूजन करने के पश्चात स्नान वस्त्र आदि यज्ञोपवीत धारण करवाने के पश्चात भोग लगावें और भोग लगा करके प्रेम से भगवान गणेश जी महाराज की आरती करना चाहिए और भगवान का विधिवत इसी प्रकार प्रतिदिन पूजन करना चाहिए और प्रतिदिन अलग अलग भगवान का भोग लगाना चाहिए कि हे भगवान आप हमारे यहाँ खाओ और यह भोजन करो और शुभ आशीर्वाद देवे। इसी प्रकार भगवान की 10 दिन तक सेवा करें और जो इस प्रकार भगवान की सेवा करता है उसकी सर्व मनोकामना पूर्ण होती है और भगवान गणेश जी महाराज अपने उनके सारे विघ्नों को हरण करते हैं तथा धन धान्य की आदि की वृद्धि करते हैं।